भैया जी बाहर कोरोना हो रहा है, पबजी इंडिया आ रहा है, आप तो बैठो अपने घर में। वाह वाह, बाहर कोरोना हो रहा है, पबजी इंडिया आ रहा है, अब तो बैठो अपने घर में, और फिर भी अगर तुम बाहर निकले तो पुलिस वाले घुसा देंगे। रन्नत माई बंदा, मतलब भैया जी अगर गहराइयों में जाओगे तो भैया जी कोरोना भी हो सकता है, पुलिस वाले माए गा में डंडा भी डाल सकता है, तो इसलिए भैया जी घर पे रहो, सेफ रहो भैया जी। भैया जी स्वागत है आपका एक और नए तड़कते भड़कते गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस आज की सारी वीडियो में गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। एंड सो गाइस मैं आपको बता दूं कि भाई साहब मैं क्यों इतने दिनों से गेम प्ले वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि गाइस मेरे फ़ोन का गाइस पहले तो भाई रिचार्ज खत्म हो गया था। यस गाइस मेरे पूरे महीने भर का रिचार्ज खत्म हो गया था, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर मेरा पूरा रिचार्ज खत्म हो गया महीने का तो फिर मैं वीडियोस कैसे अपलोड कर रहा था। तो भाई हॉटस्पॉट काहे के लिए बनाया गया है ना, तो भैया जी मैं कभी कभार चुपके से पूछ लेता था, पहले तो पूछ लेता था, और उसके बाद अगर नहीं देते तो चुपके से मैं उनका हॉटस्पॉट ऑन करके उससे वीडियो अपलोड कर देता था। और भाई साहब जैसे जैसे भाई मैंने वीडियोस अपलोड करता रहा, एंड फिर गाइस आपको कमेंट आया कि भाई फुल गेम के वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो भाई साहब एक बंदे ने तो भाई कमेंट कर दिया, भाई कोरोना हो गया क्या, तुझे फुल गेम प्ले वीडियो डाल। कुछ भी मतलब भैया जी कह दिया कि कोरोना हो गया क्या तुझे, मतलब भाई साहब भाई मेरे को कोरोना पता नहीं भाई कहाँ से हो गया। मैंने कहा वाह भाई, लेकिन फिर भाई पता चला कि भाई ऐसा ही भाई मजाक को बोलता था। और फिर इसने भाई दूसरा कमेंट करा कि भाई फुल गेम रिव्यू डालो। तो भाई आप सबकी फरमाइश पे मैं आज का एक और नया गेम रिव्यू लेके, और गाइस इस साल गेम रिव्यू में हम लोग ओल्ड बेसिन को खेले थे डुओ वर्सेस डुओ, और सामने की तरफ भाई साहब मेरे को डुओ दिखती है, तो बस देखो यार। पहले भैया जी पता नहीं कहाँ देख रहे थे, तो सबसे पहले भैया जी मैं उसको खिलाता हूँ, फिर मिनी फॉर्चून से उसको फटाक से टपकाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भैया जी वो पता नहीं कहाँ भाग जाता है, और पता नहीं भाई मेरे को उसका किल भी नहीं मिल पाता है। एंड उसके बाद भाई साहब इसका दूसरा प्लेयर मेरे को दिखता है, तो मैं सोचता हूँ चलो दूसरी तरफ से मारने जाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं इस बंदों को चलाता हूँ जो कि वी एस एस लेकर घूम रहा था, तब भी मैं सामने बनता है। उसके बाद मेरे साथ भाई साहब उससे पूरे दो वाइप हो जाती है, मेरे लिए भाई साहब अब पूरा ऑर्डर उसमें खाली हो चुका है, क्योंकि भाई साहब मेरे टीममेट ने अभी अभी एक बंदों से एकदम से नॉक करा था, तो मेरे को लगता है कि भाई अब पूरी ऑर्डर उसमें खाली हो गई है, लेकिन तभी भाई साहब और भाई साहब तभी भाई साहब एक बंदा एक तुरंत ही से भाई मेरे ऊपर रश कर देता है, और भाई साहब मेरे को नॉकआउट कर देता है, और फिनिश भी करने वाला होता है, लेकिन तभी भाई साहब अपना टीममेट आके मेरे को बचा लेता है। और भाई साहब ये बात मेरे को अपनी टीममेट की बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन लास्ट में जो होता है ना, मतलब भाई साहब वो आपको देखना चाहिए। और भाई जब आप लोगों ने कमेंट करा कि भाई फुल गेम प्ले वीडियो डालो, तो मेरे को भी भाई अंदर से लगा कि भाई हाँ, मतलब मेरे ऑडियंस भी भाई मेरे को देखते हैं और चाहते हैं कि भाई मैं गेम प्ले वीडियोस डालूं। तो तब भाई साहब मेरे टीममेट को एक बॉट दिखता है, तो वो उसको टपकाता है, एंड थोड़ी देर बाद भाई साहब मेरे को एक बॉट दिख जाता है। तो भाई साहब इन सब बॉट को मारने के बाद हम लोग निकल लेते हैं ओल्ड बेसिन से, क्योंकि भाई साहब ओल्ड बेसिन में जोन भी नहीं बन रहा था। एंड भाई साहब मेरे पास अभी आ चुकी थी M416 और टॉमी गन, और भाई साहब हम लोग निकल लेते हैं यहाँ से, और मेरा टीममेट बन जाता है बहुत ही खतरनाक वाला हैवी ड्राइवर पर। टीममेट यहाँ पे काफी खतरनाक वाली हैवी ड्राइविंग करके भैया जी हमें इस तरफ, मतलब ओल्ड बेसिन की तरफ, सेंट्रल रोड की तरफ ले आता है। और जब मैं इस टीममेट से पूछता हूँ कि भैया जी तुमने इतनी बढ़िया हैवी ड्राइविंग कहाँ से सीखी है, तो ये कहता है नहीं। भैया जी इतनी मस्त ड्राइविंग करने के बाद, मतलब भाई साहब काफी मजा सा आ गया था। और उसके सामने मेरा टीममेट ले जाता है ड्रॉप के लिए, और भाई साहब हम लोग जैसे ड्रॉप में चेक करते हैं तो पता चलता है इसमें क्या निकला है। जैसे ही मेरा
टीमर ड्रॉप पर चेक करता है तो उसके अंदर भैया जी कुछ भी नहीं निकलता, मतलब भैया जी वो ड्रॉप ऑलरेडी लूटा हुआ था। गजब बेइज्जती है। मतलब कि भैया जी बोला जाए तो इतनी गंदी वाली बेइज्जती ना हमारे मेरे टीममेट के आज तक नहीं हुई। मतलब भैया जी कतई चौड़ में आया अगर सोच रहा चलो भैया जी किसी ने ड्रॉप नहीं लूटा, चलो हमें ड्रॉप लूट लेते हैं, और ड्रॉप लूटने आया तो उसके अंदर क्या निकला, एक लेवल 3 की वेस्ट, वो भी भाई साहब घटिया। मतलब भाई लेवल 3 की वेस्ट का तुम क्या करोगे भाई, अभी कोई बात नहीं चलो कम से कम कुछ तो होगा, लेकिन भाई वो चीज़ नहीं मिली ड्रॉप के अंदर मिलती है हम लोगों को, मतलब अपन रुके भैया भैया। तो उसके बाद भैया जी मेरा टीममेट कहता है कि भाई जल्दी चलो भाई यहाँ चलते हैं, तो मैं भी बैठ जाता हूँ गाड़ी में, फिर निकल लेते हैं हम लोग विलेज की तरफ। तो भैया जी वहाँ पर देखना भाई कितनी ही गंदी वाली भाई मेरी किट चोरी होती है। देख रहे हो भाई, मतलब भाई साहब पबजी के इतने गंदी तरीके से भाई पबजी के सस्ते नशे, मतलब कितनी गंदी तरीके से मेरा किल चोरी हुआ, सब कुछ भाई मैंने इसे डैमेज किया तो भाई किल मेरा नहीं मिला, और भाई उस किसी के साथ भाई एडबुलन भी उठा लेता, मतलब बोला जाए तो भाई सब कुछ भाई इसने ले लिया। तो भाई इतनी गुस्सा आ रहा था जो मैं बहुत बताता। आप लोग सोच रहे हो गुस्सा कहाँ से, तो भैया जी गुस्सा इस बात के लिए, मतलब भैया जी इतनी देर से किल चोरी पे किल चोरी, ऊपर से गन भी चोरी, और भैया जी आपने देखा होगा भाई मैंने एक ही रिलोड के अंदर पूरा बॉट को टपका दिया। उसके बाद हम लोग आगे तरफ चले जाते हैं भाई घर के अंदर, और जैसे घर के अंदर जाते हैं तो भाई सामने की तरफ भाई साहब सामने वाले घर में एक बंदा था जो जिसका हम लोग कतई बिल्कुल अनजान थे, और जैसे ही भाई साहब मैं सामने जाता हूँ तभी भाई साहब मेरे को पता चल जाएगा कि वो बंदा कहाँ है। भैया जी बंदे ने नेट करता है और खिड़की पर आता है तो मेरे को पता चल जाता है बंदे ने काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कम कर दी थी मेरी, तो इसलिए भैया जी मैं अपने हाथों में पकड़ लेता हूँ ओम बट स्वाहा वाला नेट और मंत्र पढ़ता हूँ ओम बट स्वाहा, ग्रेनेड से बंदे का खोपड़ा फूट जाए और निकल जाए हरा धुआं। गजब बेइज्जती है भाई सर। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मेरे टीममेट की कहाँ से बेइज्जती होगी, तो भैया जी मेरे टीममेट ने अगर आप लोगों ने देखा होगा तो भाई मेरा टीममेट भाई साहब पीछे से भाई साहब नेड कर रहा था ताकि भाई साहब उसको भी ये किल मिल जाए, लेकिन भाई साहब भगवान जी ने भाई मेरी सुन ली और ये किल भाई साहब मेरा हो गया, लेकिन भैया जी लूट उसकी हो गई, मतलब भैया जी तुरंत चला गया भाई साहब लूटने के लिए। तो फटाक से भैया जी हम लोग उसकी लूट ले रहे होते हैं, एंड फिर मैं फटाक से एक फर्स्ट एड लगाता हूँ, एंड फिर भाई साहब मैं जब अपना थोड़ी देर बाद मैं बैकपैक चेक करता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि मेरे बैकपैक के अंदर मेरे पास फ्लेयर गन थी, तो मेरे को फ्लेयर मिल रही थी, तो भाई वो मज़ा सा आ गया था। उसके बाद भाई साहब मैंने टीममेट बार बार चिल्लाया रहा था आई मीन उसको, पर मैं देखा नहीं था कि ये चिल्ला रहा है। तो उसके बाद भाई साहब मैं जल्दी जल्दी भाई साहब निकलता हूँ भाई आगे के लिए, और उसके बाद भाई साहब मैं इसकी लूट ले रहा होता हूँ तो भाई साहब मेरे को 4x मिल जाता है। उसके बाद भैया जी मेरे टीममेट भाई साहब मेरे को पीछे से भाई पंच करने लगता है, तो मैं सोचता हूँ पंच क्यों कर रहा है। उसके बाद मेरे को पता लगता है भाई इसको स्कोप चाहिए, भाई साहब मेरे को इतनी कस गुस्सा आ जाती है, मैं तुरंत भाई साहब को स्कोप दे देता हूँ। वापस सोच रहा भाई गुस्सा आ गया तो स्कोप क्यों दिया, अगर मैं स्कोप नहीं देता तो भाई साहब पीछे पड़ जाता कभी, तो इसलिए भाई साहब मेरे को गुस्सा आती है और मैं चला जाता हूँ। मैं सोचता हूँ भाई तेरे पास गाड़ी की स्किन है, आप उनके पास भी गाड़ी की स्किन है, तो तुरंत भाई साहब अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और अपनी स्किन चलाता हूँ। और उसके बाद भाई साहब हम लोग निकल लेते हैं भाई सर्कल के अंदर, क्योंकि भाई साहब सर्कल दूसरी जगह बन रहा था और हम लोग निकल लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे भाई साहब मेरे को एक बोटनी का मामा कलर का दिखता है जिसको भाई साहब मेरा टीममेट मार देता है। तो भाई साहब मैं सोचता हूँ चलो भैया जी जब इसने किल ले लिया तो मैं फिर यहाँ से वापस से निकल लेता हूँ। भाई साहब अभी मेरे को गुस्सा आ रही थी क्योंकि भाई साहब इतनी मुश्किल से तो कोई अच्छी चीज़ नहीं थी, वो भाई साहब इन भाई साहब ने ले ली थी, और तभी भाई साहब सामने की हाउस में गाड़ी रोकता हूँ और मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पे भाई साहब बंदे होंगे। तो भाई साहब ये भी मेरा टीममेट किल चोरी कर लेता है जो कि भाई सामने तो S12 के वाला बंदा था, मैंने उसके हेड पे भाई कितना ज़्यादा मारा था। फिर उसके बाद भाई साहब मेरे को गुस्सा आ जाती है, तब भी भाई साहब मैं सोचता हूँ चलो कोई बात नहीं भाई टीममेट है चुरा लो भाई साहब किल। फिर उसके बाद भाई साहब मैं सोचता हूँ भाई पेटी वेटी लूट लूँ, और भैया जी अभी मेरे टीममेट ने थोड़े बहुत ज़्यादा किल कर लिए थे तो उनके अंदर आ गया था ओवर कॉन्फिडेंस, और अभी सोच रहे थे भाई सबको यही निपटा देंगे, इसलिए ओपन में लड़ाई लेने चले जाते हैं और ये हो जाते हैं नॉकआउट, और अभी देखना भाई क्या ही लेजेंडरी कैंप पर मिलेगा। ये भैया जी तो कहते हैं लेजेंडरी वाले कैंपर बन के बैठे थे, मतलब भैया जी इनकी गलत ही जगह पे हमने गोली छेद दी।
भाई जब सामने से एक और बंदा आता है तभी भाई साहब मेरे को लगता है कहीं ये बंदा रिवाइव ना हो गया हो। इतनी खतरनाक वाली फाइट थी भाई साहब, अगर अब तक आप लोगों ने लाइक का बटन नहीं दबाया ना तो जल्दी जाओ गाइस जाकर लाइक के बटन को दबाओ। और तभी भाई साहब मेरे को यहाँ पे दो बंदों की और प्रतिष्ठा पाने लगती है और भाई साहब यहाँ पे जीप भी खड़ी हुई थी, तो फटाक से भाई साहब मैं रनिंग लगाता हूँ और सोचता हूँ अगर ये बंदे यहाँ से आएंगे तो यहीं से ख़त्म कर दूंगा, बट वो बंदे यहाँ नहीं आते तो मैं नीचे चला जाता हूँ। तो मेरे को नहीं पता ये बंदा कौन था, बॉट था या तो रियल था, ये आप लोगों को मेरे कमेंट में बता देना। इसी साथ हो जाता है हमारा एक और स्वाद है चिकन डिनर। होस्ट गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो, अगर पसंद आए तो लाइक करना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय सी यू। एंड गाइस आप भाई ये लास्ट वाले क्लचेस देखे अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो बस जल्दी से जाना भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके दोस्त भी अगर पबजी लाइट की वीडियोज देखना अच्छा पसंद करते हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय सी यू।